यस तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सब नेटसर्फ का भाग हैं, और नेटसर्फ में जो हम लोग कहते हैं ना बैकबोन ऑफ द बिजनेस क्या है, बैकबोन ऑफ द बिजनेस ये है कि प्रोडक्ट्स, आप प्रोडक्ट्स की वजह से ही लोगों से जुड़े हुए हो। प्रोडक्ट्स जितना अच्छे से आप लोगों को बता सकते हो, जितना इफेक्टिवली बताओगे, उतना ज्यादा आपका सेल बढ़ेगा। और उसी के साथ साथ अगर उनको रिजल्ट्स भी अच्छे आए, क्योंकि अगर आपने उनको प्रॉपरली बताया कि कैसे इसको यूज करना है, कैसे इसके फायदे ले सकते हैं, तो आपको और ज्यादा इससे बेहतर रूप से आपको रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट अच्छे आएंगे तो ऑफकोर्स आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके बिजनेस में प्रोडक्ट जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो चलिए प्रोडक्ट पे की ओर बढ़ने से पहले ये एक कोटेशन जो है, कोट जो है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कहा था हिपोक्रेटस ने, फादर ऑफ मेडिसिन जो थे, उन्होंने कहा था कि लेट फूड बी योर मेडिसिन एंड मेडिसिन बी योर फूड। मतलब खाना ही आपका औषध होना चाहिए और औषध ही आपका खाना होना चाहिए। बट आज के डेट में ये सिचुएशन थोड़ी विपरीत नहीं है। मतलब खाने के साथ के ही समान समान में शायद हम लोग मेडिसिन भी लेते हैं। मतलब इतने सारे कैप्सूल्स, इतने सारे जो टैबलेट्स वगैरह वो सब लेते हैं। बट ये जो है हिपोक्रेटस ने कहा था कि फूड में से ही आपको औषधीय गुण मिलना चाहिए और अलग से आपको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। और ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है हमारे आयुर्वेद से भी। आयुर्वेद आप सबको पता है, भारतीय है तो आयुर्वेद के बारे में जानते ही होंगे, जो हमारी 5,000 साल पुरानी एक प्रथा है, जिसको ऑन हम लोगों ने डेली बेसिस हम लोग जो है हमारे घर पे फॉलो करते हैं। जैसे कि हमारा तबीयत ठीक नहीं है या फिर आपको सर्दी जुकाम कुछ भी हो, तो आप क्या करते हो, अदरक लेते हो, उसी के साथ साथ तुलसी लेते हो, काली मिर्च लेते हो, नींबू लेते हो, ये सब जो चीजें हैं जो घर के हमारे किचन में आसानी से अवेलेबल होते हैं, ये सब चीजें लेती हैं। तो भारतीय ये बहुत पहले से ही जानते हैं, और इसके वजह से जो है ये बहुत पहले से ही प्रचलित है कि खाने से ही हमें बहुत सारे औषधीय गुण मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस नए टर्मिनोलॉजी की, जिसका नाम है न्यूट्रास्यूटिकल्स। यस, ये जो है ये जो टर्मिनोलॉजी है ये विदेशी लोगों ने ही बनाया था। उनको जब पता चला कि ओके न्यूट्रिशन मिलने न्यूट्रिशन के साथ साथ खाने में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है, और उसको न्यूट्रास्यूटिकल्स कहते हैं। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या है, खाना का एक भाग होता है जो आपको आप हेल्थ बेनिफिट्स देता है, आपके डिसीजेस को प्रिवेंट करने में मदद करता है, और उसी के साथ साथ कई सारे ट्रीटमेंट में भी ये महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। यहाँ पे न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी होते हैं और डाइटरी सप्लीमेंट्स भी होते हैं। तो यस, जैसे न्यूट्रास्यूटिकल्स की बात करते हैं ना, तो नेटसर्फ तो आता ही है। क्यों? क्योंकि नेटसर्फ मेजॉरिटी डील करता है इनटू न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स की वजह से ही नेटसर्फ का जो बिजनेस है वो इतना अच्छे से चल रहा है, बिकॉज नेटसर्फ वन ऑफ द लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन इंडिया मानती है कि यस, हमारे जो लोग हैं इनको न्यूट्रास्यूटिकल्स की जरूरत है, और उसी से हमारा देश जो है वो और ज्यादा हेल्दी होगा। तो चलिए बात करते हैं इन जनरल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के बारे में भी जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि नेटसर्व जो है इज वन ऑफ द लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, अराउंड इन 2018-19 का अगर हम लोग टर्नओवर देखते हैं ना इस इंडस्ट्री का, डायरेक्ट सेलिंग का, तो देखा गया है कि 18,000 करोड़ का है, और ग्रोथ रेट जो है वो 13% से है। और उसमें भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में वेलनेस प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बेचे जाते हैं। ऑलमोस्ट 50% जो है बिजनेस वॉल्यूम जो है वो आता है वेलनेस प्रोडक्ट्स के, मतलब हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हो या फिर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हो, ये सब प्रोडक्ट्स से आते हैं। और उसी के साथ साथ 53% जो प्रोडक्ट्स है ना वो सेलर्स जो है उसके वो महिलाएं हैं। यस, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज कुछ हद तक आप देख सकते हो कि अगर हम लोग फॉरेन के वर्ल्ड का ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स देखें तो भी देखा गया है कि ऑलमोस्ट 70-80% जो है वो बिजनेस जनरेट करने वाले फीमेल्स ही हैं, और भारत में भी यही सिनारियो है। तो नेटसर्फ में भी यही सिनारियो बनता जा रहा है। तो ऑल द बेस्ट टू अस्मितास एंड सक्षम, जो इस बिजनेस को और अच्छे से आगे लेके जा रहे हैं। अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में एक्सक्यूज मी बात करते हैं, तो नेटसर्फ नेटवर्क की अगर बात करते हैं ना, तो हमने गए साल में ही आपको पता है हमारा टर्नओवर हिट हुआ था 300 करोड़, और अभी हमने जो लेटेस्ट रिकॉर्ड ब्रेक किया है वो है 100 डेज में 100 करोड़। यस, ये बिजनेस कैसे पॉसिबल हुआ, बिकॉज हमारा जो प्रोडक्ट लाइन है ना वो बहुत ही ज्यादा अलाइनमेंट में है इनटू, अगर हम लोग वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का अगर देखते हैं तो बहुत ही अलाइनमेंट में है, क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो हेल्थ केयर के हैं, वेलनेस के हैं, पर्सनल केयर के हैं, कलर कॉस्मेटिक्स के हैं, होम केयर के हैं, और उसी के साथ साथ एग्रीकल्चर। मतलब क्या, ये सब जो
इंडिया में हो रहा है, इंडिया में जो लोगों की जरूरत है उसी हिसाब से जो है हमारा बिजनेस वही प्रोडक्ट्स को केटर कर रहा है। और उसी के साथ साथ अगर हम लोग नेटसर्फ का बिजनेस अगर देखते हैं, ये स्प्रेड आउट है थ्रू आउट इंडिया। यस, मतलब नॉर्थ से साउथ हो, ईस्ट से वेस्ट हो, हर जगह हमारा जो स्टॉक पॉइंट्स हो, हमारे प्रोडक्ट्स जो हो है वो सारी तरीके से प्रचलित है। और इसी प्रकार से अगर आप देखते हो तो ये फॉरेन कंट्रीज में भी गया हुआ है नेटसर्फ डायरेक्ट के नाम से। तो यस, एक बहुत ही रॉबस्ट इंडस्ट्री हमारा हो चुका है नेटसर्फ के माध्यम से। अगर हम लोग देखते हैं हमारा जो कंज्यूमर बेस है, ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन का कंज्यूमर बेस है। उसी के साथ साथ हमारे पास 60 से भी ज्यादा प्रोडक्ट हैं जो प्योरली नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं और 100% इफेक्टिव है। और हम लोग जो है करीबन 20 साल से ऑपरेट कर रहे हैं। न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के बारे में जानना क्यों ज्यादा जरूरी है? अगर हम लोग देखते हैं ना ग्लोबली, ये इंडस्ट्री का ग्रोथ जो है वो है अराउंड 16% से, लेकिन सॉरी इंडिया में जो देखते हैं तो 16% से है, लेकिन इंडिया के बाहर अगर देखते हैं ना तो वो है 8.5% से। मतलब क्या, भारत में इस न्यूट्रास्यूटिकल्स को बहुत पहले से ही एक्सेप्टेंस मिल चुका है, जिसकी वजह से जो है लोग आसानी से इसको यूज करते हैं। मतलब इंस्टेड ऑफ शायद एलोपैथिक मेडिसिन, लोग बिलीव करते हैं कि नहीं, मुझे न्यूट्रास्यूटिकल्स के पास ही मुझे सोल्यूशन मिलेगा। तो इस वजह से ये जो इंडस्ट्री है इंडिया में बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है। इसकी वजह से ऑलमोस्ट 23,896 करोड़ का ये जो बिजनेस है ये डेवलप हो चुका है। और अगर हम लोग बाय 2030 अगर ये देखते हैं तो ये प्रोजेक्शन देखा गया है कि ऑलमोस्ट US dollars 4 trillions में ये बढ़ने वाला है। मतलब सच अ बिग फिगर। तो ये इतना क्यों पॉसिबल हो रहा है? क्योंकि इतना ज्यादा एक्सेप्टेंस है और लोग जो है इसको आपको बहुत ज्यादा कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है न्यूट्रास्यूटिकल्स को, राइट? और अगर हम लोग हमारे इंडस्ट्री की बात करते हैं, इन नेटसर्फ की बात करते हैं, किस प्रकार के हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, हमारा प्रोडक्ट जो है वो बेस्ड है ऑन टू 3 pillars। क्या 3 pillars पे, या हमारा प्रोडक्ट फिलोसफी क्या कहता है? ये कहता है कि हम लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर डिमांड। हमारे जो कंज्यूमर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। वो 100% हर्बल होते हैं और नेचुरल इंग्रेडिएंट से ही बनते हैं। और अगर हम लोग इनका कॉस्ट देखते हैं तो यस, ये वैल्यू फॉर मनी होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको एक बहुत अच्छा हेल्थ बेनिफिट देती हैं, एक मल्टीपर्पस बेनिफिट आपको दे सकती हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे जानते ही जाएंगे, बिकॉज हमारा जो पूरा हेल्थ केयर का प्रोफाइल जो है वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो इसमें ये सारे पिलर्स जो है आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। तो चलिए बात करते हैं और एक खासियत जो नेटसर्फ में है, दैट इज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो होता है ना, वो नॉर्मली R&D बेस्ड कंपनीज जो होती है ना, वो नॉर्मली फार्मास्यूटिकल कंपनीज में देखी जाती है या आयुर्वेदिक कंपनीज में जाती है। बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में R&D बेस्ड कंपनी इज अ न्यू थिंग। मतलब क्या कि बहुत सारी कंपनीज जो है जनरली क्या करते हैं, दूसरे कंपनीज को बोलते हैं, मतलब डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज क्या करते हैं, दूसरी कंपनीज को बोलते हैं कि आप मुझे प्रोडक्ट बना के दो, मैं प्रोडक्ट्स को जो है हम उसको अवेलेबल करवाएंगे। बट यहाँ पे हम चाहते हैं कि आपको जो है 60+ जो भी हमारे प्रोडक्ट्स है वो 100% इफेक्टिव मिले और मल्टीपर्पस मिले। इसके वजह से हमारे पास जो है हमारा ओन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है जो एक बेंचमार्क सेट कर रहा है इनटू दिस इंडस्ट्री। व्हाई? बिकॉज हमारे पास के जो एक्सपर्टीज वाले डिपार्टमेंट के लोग हैं ऑलमोस्ट 25+ का एक्सपीरियंस रखते हैं। यस, इनटू आयुर्वेदा हो, फार्मास्यूटिकल्स हो, फूड टेक्नोलॉजी हो, और कई सारे जो है ना क्यूमुलेटिव उनका एक्सपीरियंस तो 25 साल से भी ज्यादा है, जिसकी वजह से वो आपको बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट आज के रेट में दिलवा पा रहे हैं। और इसकी वजह से जो है हमारा एक इंडस्ट्री में ही ऑल ओवर, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की बात करो तो नेटसर्फ का नाम क्यों है? बिकॉज R&D इज ओन्ड बाय अस, हमारा खुद का इन हाउस R&D डिपार्टमेंट है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में बात करेंगे तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो अवेलेबल है इनटू हिमालय, हिमाचल प्रदेश में है, सिक्किम में है, पुणे में है, और ये सब जो है FSSAI प्रमाणित है, GMP सर्टिफाइड है, HACCP प्रमाणित है, और उसी के साथ साथ रजिस्टर्ड विथ USFDA है। इसका मतलब क्या है, हम लीगली और उसी के साथ साथ हम ऑथराइज्ड है टू प्रोड्यूस ऑल दिस प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स जो है हम आप तक पहुंचाने का पूरा पूरा हमारे पास लीगल जो बोलते हैं ना, हमारे पास राइट्स हैं, और इसके वजह से हम लोग जो है 100% आपको इफेक्टिव प्रोडक्ट्स ही दिलाते हैं। तो चलिए बात करते हैं द बैकबोन ऑफ द बिजनेस प्रोडक्ट के बारे में। जब भी आज के डेट में हम लोग आपको प्रोडक्ट देते हैं ना, तो प्रोडक्ट में
क्या क्या चीजें जाती हैं, प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें लगती हैं, वो है जैसे कि आप लोगों के कंज्यूमर्स डिमांड्स या फिर कस्टमर डिमांड्स, आप लोगों को जो भी रिक्वायरमेंट आती है, या आपको अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में भी कुछ आपको लगता है कि शायद ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, तो आप जनरली कस्टमर केयर के साथ कनेक्ट होते हो, या फिर हम आप हमारे जो भी मैनेजर्स है उनके साथ कनेक्ट होते हो और बताते हो. तो ये जो कस्टमर डिमांड्स जो होते हैं ना, हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज हम जो है इसको हमारे सिस्टम में रखते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि हम आप जब भी प्रोडक्शन करते हैं या नया कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें हम लोग उसको इम्प्रोवाइज करने का पूरा पूरा जो है जोखम उठाते हैं, और उसी के साथ साथ ये आपको बेस्ट पॉसिबल वे में मिले इसका पूरा ध्यान रखते हैं. मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से भी हम लोग काम करते हैं, मतलब आज के डेट में मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, इसके हिसाब से भी हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं. गैप एनालिसिस करते हैं, मतलब आज के डेट में क्या अवेलेबल है और हमारी ज़रूरत क्या है, बिकॉज अभी का जनरेशन जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो इस जनरेशन के लोगों को और क्या ज़रूरत है, तो उस हिसाब से गैप एनालिसिस भी होता है. और उसी के साथ साथ हम लोग कॉम्पिटिटर बेंचमार्किंग करते हैं. कॉम्पिटिटर बेंचमार्किंग क्या होता है, आज के डेट में बाजार में अगर आप देखते हैं तो हजारों प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स लीजिए, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स लीजिए, हजारों प्रोडक्ट्स मिलेंगे, राइट. आप अगर कोई भी FMCG प्रोडक्ट्स देखते हैं, दैट इज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, दुकान में भी अगर जाते हैं हजारों प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो आपका प्रोडक्ट नेचुरामोर या नेटसर्फ का कोई भी प्रोडक्ट कैसे बेहतर है, तो इसके लिए हम लोग करते हैं कॉम्पिटिटर बेंचमार्किंग. मतलब कोई भी ग्लोबल लेवल पे भी कोई भी प्रोडक्ट है, उससे हमारा प्रोडक्ट जो है 10 कदम आगे है, इसका इंश्योरेंस हम लोग करते हैं, उसका एश्योरेंस हम लोग को रहता है. क्यों? क्योंकि हमारा जो 25+ ईयर्स वाला जो साइंटिफिक डिपार्टमेंट है वो इसका जोखिम लेता है कि कॉम्पिटिटर से हम लोग जो हो वो 10 कदम आगे ही रहे. तो उस प्रकार से हम लोग फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं. रिसर्च बेस्ड इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, मतलब आज के डेट में बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आ रहे हैं कि ये कंटेंट डालने से इतना बेनिफिट होता है, ये कंटेंट डालने से आपकी जो है प्रोडक्ट की एफिकेसी बढ़ती है, बहुत सारी चीजें आती है, तो वो भी हम लोग इम्प्रोवाइज करते हैं. और उसी के साथ साथ प्रोडक्ट एनहांसमेंट भी करते हैं, मतलब आपको जो प्रोडक्ट है वो टेस्ट में अच्छा लगे, टेक्सचर में अच्छा लगे, आसानी से आपको पैलेटेबल लगे, ऐसे हजारों जो है क्राइटेरियाज को देखने के बाद जाके ये प्रोडक्ट आप तक पहुंचता है. तो आप देख सकते हो कि कोई भी प्रोडक्ट हम लोग जब मार्केट में लेके आते हैं ना, तो हम लोग पूरा पूरा उसका बैकग्राउंड स्टडी, उसका पूरा सब कुछ हम लोग करने के बाद ही लेके आते हैं. एंड दैट्स द रीजन हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो इतने सालों से ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं और ज्यादा विश्वास के साथ यहाँ पे बेच पा रहे हैं प्रोडक्ट्स को. उसी के साथ साथ एक खास बात बता दूं नेटसर्फ के बारे में कि नॉर्मली ना आपने देखा होगा कि अभी हमने जो प्रोडक्ट्स आजकल जो अवेलेबल करवाया, आपने देखा होगा कि दीज आर ऑल क्लिनिकली टेस्टेड. क्लिनिकली टेस्टेड का मतलब क्या होता है, नॉर्मली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसा कोई भी नॉर्म नहीं है कि जहाँ पे आपको प्रोडक्ट को क्लिनिकली टेस्ट करना पड़े. आप प्रोडक्ट FSSAI प्रमाणित कर दो, दैट इज मोर देन इनफ. बट यहाँ पे हमने और एक जोखिम उठाया है नेटसर्फ ने, एडिशनली जो कहते हैं ना, इसमें हमारा R&D का खर्चा भी बढ़ता है, बट देन नहीं, हम लोग चाहते हैं कि आप तक जो भी प्रोडक्ट मिले वो 100% सर्टिफाइड हो प्लस क्लिनिकली अप्रूव्ड हो. तो यस, इसी के वजह से हम लोग इसकी टॉक्सिसिटी टेस्ट करते हैं, सब एक्यूट टॉक्सिसिटी करते हैं, मतलब कोई ऑर्गन्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और आपको कोई, अगर आप इस मात्रा में अगर इस प्रोडक्ट को ले रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है. इसकी एफिकेसी, मतलब कितना ये इफेक्टिव है, ऐसे बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं. तो इन सब पे हमारा प्रोडक्ट जब खरा उतरता है तब जाके हम उस पर लिख सकते हैं कि दीज आर ऑल क्लिनिकली वेरीफाइड प्रूव्ड, और इसके माध्यम से जो है हम लोग आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर पा रहे हैं. तो इसमें रिसर्च, ये जनरली जो है ये काम R&D डिपार्टमेंट्स करती हैं, मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनीज करती हैं, क्योंकि उसमें एक मैंडेटरी नॉर्म होता है कि ये करना ही है, बट यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है. बट स्टिल हम लोग एश्योर करना चाहते हैं कि आपको ये जो भी प्रोडक्ट्स मिले ये 100% जो है इफेक्टिव मिले एंड क्लिनिकली प्रूवन हो, और इसी के माध्यम से जो है हम लोग आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए प्रोवाइड करना चाहते हैं. तो चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द प्रोडक्ट, दैट इज हमारा जो न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट है नेचुरामोर, ये आता है इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज डेली न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट और उसी के साथ साथ फंक्शनल न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट, जिसको हम लोग डाइटरी सप्लीमेंट भी कहते हैं. सो डेली न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट क्या होता है कि जनरली हम लोग जो खाना खाते हैं ना, आप लोगों को भी पता है कि आज के डेट में जो भी हम लोग खाना खाते हैं इसमें 100% आपको सारे विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स मिलते हैं का, शायद ही नहीं, राइट. क्योंकि आज के दिनों में बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेशन का प्रैक्टिस होता है, मतलब खाने में मिलावट, दूध में मिलावट, इन सारी चीज़ों के वजह से क्या हमको रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन मिलता है,
नहीं मिलता है, तो इसके लिए जो है एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, बॉडी के प्रॉपर जो है पूरे जो भी फंक्शंस हैं इसको अच्छे से वर्कआउट करने के लिए एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यस, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट इस काम को बखूबी निभाता है। यहाँ पे और एक सप्लीमेंट है, वो है डायट्री सप्लीमेंट, दैट इज फंक्शनल न्यूट्रिशन, जो इंश्योर करता है कि आपके जो शरीर में त्रिदोषास होते हैं, आप सबको पता होगा कफ पित्त वाता, ये जो त्रिदोषास होता है, जो आयुर्वेद कहता है कि इसमें अगर इम्बैलेंसेस होना तो आपके बॉडी पार्ट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है इसको अगर आपको ठीक करना है, तो आपको तो आप तो जानते हो आए दिन अगर कोई भी बोन्स का प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो आप अगर एलोपैथिक मेडिसिन में जाते हो तो वो पेन किलर्स और बहुत सारी दूसरी स्टेरॉइड्स के जो है चीजें देती हैं, जिसकी वजह से जो है साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हम लोग आपको एक हर्बल सप्लीमेंट दे रहे हैं जो आपका हेल्थ को इंश्योर करता है कि अच्छा भी रहे, और जो अंडरलाइंग एलिमेंट है या फिर अंडरलाइंग जो प्रॉब्लम है, इम्बैलेंसेस है, इसको भी रेक्टिफाई करने में पूरा पूरा मदद करता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की ओर, दैट इज नैचुरामोर। तो हमारा जो नैचुरामोर है ना, ये जो है ये जो फाइव प्रोटीन फॉर्मूला है, इसमें वे प्रोटीन है, सोय प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन है, पी प्रोटीन है और राइस प्रोटीन, ऐसे पांच प्रोटीन्स का ये जो है एक ब्लेंड है, और उसी के साथ साथ 13 विटामिन, 11 मिनरल्स और इसेंशियल हर्ब्स है। आप देख सकते हो कि जैसे मैंने आपको कहा कि प्रोडक्ट में हम लोग बेंचमार्किंग करते हैं, तो वर्ल्ड में ही ऐसा कोई भी प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन अवेलेबल नहीं है आज के डेट में, जहां पे ये सारे फाइव प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन जो है इसको यूज किया गया है। तो यस, आप कह सकते हैं कि दिस इज द यूनिकनेस ऑफ नैचुरामोर, नेटसर्फ का प्रोडक्ट जो है, आप यू नो विद कॉन्फिडेंस कह सकते हो कि मार्केट में ऐसा कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे आपका कॉम्पिटिटर अगर कोई भी सामने आए, तो आराम से आप कह सकते हो कि कॉम्पिटिशन में ये प्रोडक्ट है ही नहीं, बिकॉज इसका कॉम्पिटिशन अभी तक है ही नहीं, राइट? और उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रोटीन्स है ये बनते कैसे हैं, तो प्रोटीन्स है ना, ये आपके हम कह सकते हैं कि सर से लेके पांव तक प्रोटीन से ही हम लोग बने हैं। जैसे आपके बाल लीजिए, आपका स्किन लीजिए, आपका नाखून लीजिए, आपके दांत लीजिए, हर एक चीज, आपका मसल लीजिए, हर एक चीज जो है ये प्रोटीन से बना होता है। तो प्रोटीन जैसे आप कह सकते हो कि एक इमारत है, और इमारत कैसे चीजों से बनती है, ईंटों से बनती है, तो उसी प्रकार से प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से बनती है। और अमीनो एसिड्स में भी ना अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं, एक होता है एसेंशियल अमीनो एसिड और एक होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जिसको आपको शरीर में नहीं बनता है, वो अलग सा लेना पड़ता है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है आपके शरीर के हर एक जो एक्टिविटीज होती है, फंक्शंस होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन अगर आप खाने में नहीं इसको ले रहे हो, तो आप समझ सकते हो कि कुछ ना कुछ बीमारियों का रूप आपका शरीर ले सकता है। तो इसलिए एसेंशियल अमीनो एसिड्स बहुत ही वाइटल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पांच प्रोटीन्स की ओर। हमारा पहला प्रोटीन है पी प्रोटीन। पी प्रोटीन जो है इसमें पूरे के पूरे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड्स वैसे तो बेसिकली 9 ही होते हैं, और सारे के सारे 9 अमीनो एसिड्स जो है एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमने इसमें डाला हुआ है, और उसी के साथ साथ इसमें ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड्स है जो और ज्यादा जो है आपके मसल्स को, आपके प्रोटीन के जहां पे भी रिक्वायरमेंट है, इसमें पूरा आपको एक बहुत ही अच्छा असिस्टेंस दे सकता है। इसी के साथ साथ ये बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट होता है। जनरली आप देखोगे कि अगर आप बहुत ज्यादा प्रोटीन्स अगर ले रहे हो, तो आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा आपको एसिडिटी हो रही है, गैस हो रहा है, ब्लॉटिंग हो रहा है, इस पर्टिकुलर प्रोटीन में ये प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा आसानी से डाइजेस्ट होता है, और उसी के साथ साथ ये मसल डेवलपमेंट में कहिए, रिपेयर में कहिए, बहुत ही अच्छे से काम करता है। ये एक फीलिंग ऑफ फुलनेस लेके आता है। फीलिंग ऑफ फुलनेस मतलब अगर आप नॉर्मली खाना जब खाते हो, तो हमको लगता है ना कि थोड़ा सा और खा लेना चाहिए, पेट भरता नहीं है, बट यहाँ पे जो एक फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा, जिसकी वजह से आप अतिरिक्त नहीं खाओगे, ज्यादा नहीं खाओगे, हिसाब से खाओगे, और आप जो है एक फिट बॉडी भी इसमें से, इसके माध्यम से बना सकते हो, और उसी के साथ साथ आपके हार्ट के हेल्थ के लिए भी, हृदय के हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करता है। नेक्स्ट इज राइस प्रोटीन। राइस प्रोटीन जो है इसमें भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं ना, कि जनरली आपके शरीर में बहुत सारे पोल्यूशन के वजह से, या फिर ठीक से खाना नहीं खाने के वजह से, एडल्ट्रेशन के वजह से, कई सारे कारणों के वजह से, अल्कोहल, स्मोकिंग, सब चीजों के वजह से ना, आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस
पैदा होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या करता है, अलग अलग बीमारियों का रूप लेता है। तो एंटीऑक्सीडेंट नाम का एक चीज होता है जो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और आपके शरीर को हेल्दी बनाने का काम करता है। तो इस चीज में राइस प्रोटीन में भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स है जो आपके शरीर को हेल्दी बनाने में मदद करता है, और उसी के साथ साथ इसमें बी विटामिन्स है और फाइबर भी है। ये भी बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट होने वाला एक प्रोटीन है, हाई एब्जॉर्प्शन है, जिसके वजह से ये झट से आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये मसल फैट को भी कम करने में मतलब फैट्स जो डिपॉजिट होते हैं इसको कम करने में मदद करता है, और उसी के साथ साथ ये जो है आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कम करने में मदद करता है, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी डेवलप करने में ये हेल्प करता है, लीवर फंक्शन में भी ये अच्छा काम करता है। नेक्स्ट इज मिल्क एंड सोय प्रोटीन। ये दो प्रोटीन है, मिल्क के बारे में आप जानते हो दूध का प्रोटीन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आपके हड्डियों की, आपके कैल्शियम रिक्वायरमेंट के लिए, आपके दांतों के रिक्वायरमेंट के लिए, सब ये जो है मिल्क प्रोटीन एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, और इसमें भी सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स डाले गए हैं। ये प्रिवेंट करता है फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो महिलाओं में सबसे ज्यादा देखा जाता है आफ्टर द एज ऑफ 30, क्या होता है ना कि हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं, और ये आगे जाके पुरुषों में भी देखा जाता है ऑलमोस्ट बाय द एज ऑफ 40, बिकॉज बहुत ज्यादा जो है अगर आप अच्छा डाइट नहीं ले रहे हो तो ऑस्टियोपोरोसिस आने के चांस होते हैं, जिसकी वजह से बोन फ्रैक्चर्स होने लगते हैं, मतलब हड्डियों का खोखलापन जो कहते हैं ना, तो वो होने के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए भी ये मदद करता है, मतलब इसको प्रिवेंट करने के लिए मदद करता है। इसी के साथ साथ इसमें सोय प्रोटीन डाला गया है। सोय प्रोटीन क्या करता है, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। बैड कोलेस्ट्रॉल मतलब कोलेस्ट्रॉल ऐसे खराब नहीं होता, बट इसमें कुछ घटक होता है जो खराब होता है, जैसे कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर आप ले रहे हो, मतलब आपके शरीर में बढ़ रहा है, दैट मीन्स आपको हार्ट के प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो सोय प्रोटीन इसको प्रिवेंट कर देता है। गुड कोलेस्ट्रॉल ये बढ़ाने में हेल्प करता है। गुड कोलेस्ट्रॉल मतलब एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में ये मदद करता है, और उसी के साथ साथ ये ओबेसिटी में, मतलब मोटापा जो है और डायबिटीज जो है, इसमें भी मदद करता है कि कम हो जाए आपका। और उसी के साथ साथ ये एक पहला विटामिन B12 का सोर्स है, जहाँ पे वेजिटेरियन फूड से भी आपको ये मिल सकता है। नॉर्मली आपने सुना होगा कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो ही आपको विटामिन B12 मिलेगा, लेकिन आप अगर वेजिटेरियन हो तो आपको विटामिन B12 नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे जो है विटामिन B12 आपको इस सोर्स से मिल जाता है। इसके साथ साथ इसमें है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन एक बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोटीन है, जिसका बायोलॉजिकल वैल्यू बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि ये बॉडी में एकदम से एब्जॉर्ब हो जाता है और सीधे जाके आपके मसल डेवलपमेंट में काम करता है, और ये आपका जो है लो कैलोरी डाइट पे भी आप इसको आसानी से ले सकते हो, और फैट गेन में भी ये प्रिवेंशन करता है, मतलब क्या आपको एक अच्छा शरीर, एक स्ट्रांग शरीर मिलने में ये हेल्प करता है, फैट डिपोजिशन नहीं होने देता है, और उसी के साथ साथ इम्यून सिस्टम भी आपका बढ़ाता है। तो यस, ये है हमारे 4 ब्लेंड्स ऑफ प्रोटीन्स, जो अब ये जो सारे 5 प्रोटीन्स, 13 मिनरल्स, 11 विटामिन्स जो है, 11 मिनरल्स एंड 13 विटामिन्स जो है, वो सब इस प्रोडक्ट में डाले गए हैं इनटू अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशंस। जैसे कि किड्स में जो है ये देखा गया है 30% में डाला गया है, विमेन में जो है 40% में डाला गया है, मेन्स में जो है ये 50% में डाला गया है, एंड नेचुरामोर प्लस में जो है ये ऑलमोस्ट 60% में डाला गया है। सो डिपेंडिंग ऑन इसको कौन ले रहा है, उसके हिसाब से हमने इसको कैटेगराइज किया है बेस्ड ऑन RDA, दैट इज रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, जो हम लोग एक महिला ने कितना लेना चाहिए, एक बच्चे ने कितना लेना चाहिए, एक बुजुर्ग ने कितना लेना चाहिए, या एक पुरुष ने कितना लेना चाहिए, ये ऑलरेडी ICMR के द्वारा एक जो कहते हैं ना कि आया हुआ एक प्रमाण है, और उसके हिसाब से ही हम लोग ने इसको डिजाइन किया गया है, जिसके माध्यम से आप इस प्रोडक्ट को आसानी से ले सकते हो विदाउट एनी डाउट। तो ये जो है नेचुरामोर किड्स, इसमें ये 30% का जो प्रोटीन है वो अवेलेबल है, ये सारे प्रोटीन्स डाले गए हैं। उसके अलावा भी हमने इसमें क्या डाला है, Omega-3 DHA। बच्चों में ब्रेन डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज नॉर्मली ब्रेन डेवलपमेंट 3 to 5 years के दौरान सबसे ज्यादा देखा गया है, तो अगर आप अपने बच्चों को देते हो 3 to 5 years के एज में, तो Omega-3 DHA आपके ब्रेन, नर्वस सिस्टम, इन सब के डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो यस, ये एक इंपॉर्टेंट घटक है। इसी के साथ साथ कोलेस्ट्रम डाला गया है। आप देखते हो कि नॉर्मली बच्चों में ना सीजनल फ्लू, मतलब सीजन चेंज होते ही, जो क्लाइमेट चेंज होते ही सर्दी खांसी ये सब लगते रहते हैं,
तो इसको प्रिवेंट करने के लिए इसमें कोलोस्ट्रम डाला गया है जो आपके बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाएगा। इसमें ब्रह्मी और अश्वगंधा है। ब्रह्मी जो है वो आपके बच्चों की मेमोरी को बढ़ाएगा, अश्वगंधा जो है उनको एक अच्छा कॉन्सेंट्रेशन देने के लिए उनके एंजाइटी लेवल्स को, मतलब अगर बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं, मतलब वो बोलते हैं ना चिड़चिड़ापन करते हैं, या बहुत ज्यादा उथल फुथल करते हैं, या बहुत ज्यादा ही शांत रहते हैं, तो उन सब केसेस में ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है आपके बच्चे के लिए। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, वो है बच्चों की मम्मियों के लिए या फिर महिलाओं के लिए, जो है नास्ट्रामोर विमेन। सो नास्ट्रामोर विमेन जो है ये नॉर्मली 40% में आता है, 30 किड्स में आता है प्रोटीन ब्लेंड, एंड 40 जो है ये महिलाओं में आता है। और इसमें एक्स्ट्रा हमने क्या डाला है, अगेन ओमेगा 3 DHA, दैट इज फॉर ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। और उसी के साथ है इसमें कर्क्यूमिन डाला गया है, जिसका मतलब है हल्दी। हल्दी क्या करता है ना, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, मतलब फीमेल्स में देखा गया है कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन का प्रमाण देखा गया है, जिसकी वजह से, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, इन्फ्लेमेशन मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियां आने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे कर्क्यूमिन डाला गया, हल्दी डाली गई, ये जो ये इन्फ्लेमेशन को कम कर देगा और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में हेल्प करेगा। और उसी के साथ साथ में शतावरी डाली गई है। शतावरी एक महिलाओं के लिए कह सकते हैं एक बहुत ही अच्छा टॉनिक है, एक हर्बल टॉनिक जैसा बोल सकते हैं, जो उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो ये कॉम्बिनेशन है महिलाओं के लिए। नेक्स्ट पुरुषों के लिए जो 50% प्रोटीन्स के लिए अवेलेबल होता है, और इसमें ओमेगा 3 DHA है अगेन, और उसी के साथ साथ अलोवेरा एंड अश्वगंधा डाला है। अलोवेरा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करेगा, आपके स्किन को अच्छा रखेगा, एंड ओवरऑल आपके जो है पाचन प्रतिक्रिया जो है उस पर काम करता है। और उसी के साथ साथ में अश्वगंधा है जो स्ट्रेस के लिए भी काम करता है। नेक्स्ट इज नेचुरामोर प्लस, जो आप 60% प्रोटीन कॉम्बिनेशन में अवेलेबल है। इसमें जो है ओमेगा 3 DHA है, उसी के साथ साथ प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, फाइबर है, और लियोटिन, जियाजांथिन आंखों के लिए होता है। प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स जो है वो आपके पाचन के लिए होता है, मतलब आपके गट हेल्थ को अच्छा रखेगा। और उसी के साथ साथ इसमें कोलेस्ट्रम और एलोवेरा है। ये नॉर्मली आप अगर बहुत ज्यादा, जो कहते हैं ना कि लेबर वर्क ज्यादा करते हो, मतलब बहुत ज्यादा आपका जो परिश्रमी वाला काम है, तो उस केसेस में ये रिकमेंड किया जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो तो उसमें भी आप इसको रिकमेंड कर सकते हो। तो यस, ये है हमारा पूरा नेचुरामोर का प्रोटीन ब्लेंड इनटू किड्स। और उसी के साथ साथ अगर हम लोग किड्स में अगर बात करते हैं, तो इसमें ऑलमोस्ट 2 times एक्स्ट्रा DHA है। 2 times एक्स्ट्रा DHA मतलब जो बच्चों के ब्रेन के लिए बहुत अच्छा काम करता है, जो नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल है ना, उससे भी ज्यादा हमने इसमें DHA परमिटेड लेवल पे DHA डाला है, जिसके वजह से ये ब्रेन के लिए बच्चों का बहुत अच्छा काम करता है। और इसी के साथ साथ इसमें कोलीन भी डाला है, जो बच्चों की मेमोरी के लिए, मूड के लिए, मतलब बच्चे जो चिड़चिड़ापन करते हैं, गड़बड़ करते रहते हैं, तो उस केस में ये रिकमेंडेड है। वुमेन में जैसे मैंने आपको बताया, इसमें इसके साथ साथ आयरन फोलिक एसिड एंड बायोटिन भी है। आयरन फोलिक एसिड एंड बायोटिन नॉर्मली आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके नाखूनों के लिए होता है, जो आप उसको स्ट्रॉन्ग रखता है, राइट। और उसी के साथ साथ इसमें फ्रेंच फैनेला अगर हम लोग देखते हैं, फ्रेंच फैनेला में जो है हमने ओमेगा 3 DHA डाला है, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि नॉर्मली जो है ना, जैसे हम एज होते रहते हैं, जैसा हमारा एज का प्रोसेस बढ़ता जाता है, अल्जाइमर्स नाम का एक प्रॉब्लम आ सकता है, जो रिलेटेड होता है टू कोऑर्डिनेशन, या फिर ब्रेन में प्रॉब्लम होती है उसके लिए। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि आज का तनाव का लेवल ही इतना ज्यादा है कि वो बहुत ज्यादा देखा गया कि लोगों में आ रहा है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी आप जो है नेचुरामोर वैनिला रिकमेंड कर सकते हो। मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो आप डायरेक्टली इसको लेना स्टार्ट कर सकते हो। और इसके साथ साथ नेचुरामोर प्लस, जैसे मैंने कहा, ये कंप्लीट सुपर ब्लेंड है ऑफ 60% प्रोटीन, 13 विटामिन, 11 मिनरल्स, जो न्यूट्रिशन, जिनका लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा एक्टिव है ना, उनके लिए उनको ये रिकमेंड कर सकते हैं। और ये आई एंड ब्रेन पे भी बहुत अच्छा काम करता है। तो यस, ये था हमारा जो है पूरा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का पूरा जो मैं कह सकती हूँ कि इंफॉर्मेशन स्केल। तो आई एम श्योर आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं इनटू आवर डाइटरी सप्लीमेंट। ओके, ग्रेट। तो अभी हमने देखा कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के बारे में, जो था कि आप
किस तरीके से लोगों को ये रेकमेंड कर सकते हो और कौन कौन इस कैटेगरी को यूज कर सकता है? मतलब आप देख सकते हो कि हर कोई इंसान जो है उसको इस न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की जरूरत है, बिकॉज आज का जो हमारा लाइफस्टाइल है या कहिए जो चीजें हमको खाने के लिए मिलती हैं वो 100% हम लोग ये नहीं कह सकते कि न्यूट्रिशनली सफिशियंट है. तो ये स्नैचुरा मोर जो है ये डेली रिक्वायरमेंट ही है, तो इसके लिए आप हर किसी को रिकमेंड करें. अब बात करते हैं अदर एलिमेंट्स की या फिर अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स की, राइट? तो उसके लिए है हमारा डाइटरी सप्लीमेंट्स. तो हमारे हर्बल डाइटरी सप्लीमेंट्स में पहला जो प्रोडक्ट है वो है रिलेटेड टू डिटॉक्सिफिकेशन. अब डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन मतलब सिस्टम को क्लीन करना, सिस्टम क्लेंजिंग. ओके, तो नॉर्मली डिटॉक्सिफिकेशन हमारे शरीर में नेचुरली होता है, राइट? हम लोग जैसे कि थ्रू कोलोन होता है, जैसे लीवर से होता है, किडनी से होता है. तो अगर ये पिक्चर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि नॉर्मली ये टॉक्सिन्स कैसे आपके शरीर से निकलता है. जैसे कि हम लोग जो भी हवा लेते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, राइट? तो लंग्स से जो है ये हवा अंदर आती है और जो टॉक्सिन है वो बाहर निकल जाती है थ्रू द लंग्स, राइट? इसके बाद शरीर के ऊपर, स्किन के ऊपर, आपके ऊपर जो भी अगर कुछ भी चीजें आती हैं तो वो भी स्किन से ही निकलती है, जो आपको पता है पसीने के रूप से निकल जाती है. और आपके अंदर जो है, जो भी आप खाना खा रहे हो, वो जो है वो गट और इंटेस्टाइन में से वो जो है डायरेक्टली थ्रू किडनी और कोलोन बाहर निकल जाती है, राइट? तो ये सब चीजें आपको ऑलरेडी पता है. और इसमें सब में मेन इंपॉर्टेंट रोल, जो डिटॉक्सिफिकेशन का मेन ऑर्गन जो होता है ना, वो होता है लिवर. तो ये इस पे ही पूरा लोड आता है, इस लिवर पे ही पूरा लोड आता है, जहां पे ये पूरा प्यूरिफिकेशन सिस्टम पॉसिबल होता है. बट अगर ये टॉक्सिन्स हद से ज्यादा बढ़ जाए या फिर आपका ये कोई भी सिस्टम अगर ठीक से इन कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करे, तो क्या होता है ना कि ये अलग अलग जगहों पे जाके डिपॉजिट करने लगता है. जैसे कि अगर फैट सेल्स में, बोन मैरो में, लिवर में, सेंट्रल नर्वस ब्रेन में, तो अगर ये हो गया ना, तो ये क्या होता है कि ये जॉइंट्स पे जाके अटक जाती है, ब्लड में जाके ये टॉक्सिन्स आ जाते हैं, टिश्यूज में जाके होते हैं, मसल्स में जाते होते हैं, तब जाके आपको अलग अलग रूपों में ये साइड इफेक्ट्स दिखने लगते हैं. साइड इफेक्ट्स क्या क्या दिखेंगे आपको कि स्किन पे रैशेस आना, अचानक से स्किन पे रैश आ रहा है, एलर्जीज आ रही है. मतलब पहले शायद आपको उस चीज की एलर्जी नहीं थी और सडनली आपको एलर्जी फील हो रही है. और उसके बाद होता है जॉइंट पेन, फिर होता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, कार्डियोवैस्कुलर का प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा जो कहते हैं ना फटीग होना, या फिर आप कह सकते हैं टायर्ड फील होना, कॉन्स्टिपेशन होना, मतलब ठीक से मोशन क्लियर नहीं हो रहा है, डायबिटीज का प्रॉब्लम हो रहा है, डायरिया हो रहा है, हेडेक हो रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, आईबीएस हो रहा है, ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स का जो मेन कारणभूत होता है ना, वो होता है टॉक्सिन्स का डिपोजिशन आपके शरीर में होना. तो यस, इसका आपको इंडिकेशन कैसे पता चलेगा कि आपको बहुत ज्यादा थकान हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा बोलते हैं ना चिड़चिड़ापन हो रहा है, सर दर्द लगा रह रहा है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब आप कोई भी काम कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर पा रहे हो, दैट मींस व्हाट, कि आपको शायद डिटॉक्सिफिकेशन करने की जरूरत है. उसी के साथ साथ आपको जो है कोल्ड, फ्लू, ये लगातार लगे रह रहे, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है. इसके बाद डाइजेशन में गड़बड़ हो रही है, और उसी के साथ साथ अगर आप बहुत ज्यादा कॉफी, चाय, ये सब पी रहे हो ना, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है. इसके साथ साथ इमोशनल अनस्टेबिलिटी. नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि जो जो भी माइंड का प्रॉब्लम होता है ना, हम लोग कहते हैं कि अरे ये सब दिमाग की बातें हैं, ये सब एक्चुअल में नहीं होती है, बट नहीं, ये भी आपके यू नो टॉक्सिन बिल्डअप के वजह से हो सकती हैं. तो इमोशनल अनस्टेबिलिटी होना, मोटिवेटेड नहीं फील होना, तो ये सब भी डिटॉक्सिफिकेशन का ही भाग है. और अगर आपको बहुत ज्यादा सांसों की दुर्गंध है, बॉडी ओडर बहुत ज्यादा है, पसीने की बदबू बहुत ज्यादा है, सो दैट मीन्स आपको डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है. तो यस, इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमारे पास है नाश्रामोर का इजी डिटॉक्स. ये एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल है जो एनरिच्ड है विद आमला. अब इसमें जो है ये नॉन हैबिट फॉर्मिंग है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, और इसको आप लॉन्ग टर्म भी यूज करोगे ना, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी. इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं. इसमें सेन्ना है, अरगवाद है, अमला की है, यष्टि मधु है, हरिता की, शुंठी, अजमोड़ा, सैनदेव, ये सब जो है एक ऐसा हर्बल कॉम्बिनेशन है जो आपके गट हेल्थ को अच्छा करता है, मतलब पेट को अच्छा रखता है. इसमें हाई लेवल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके मोशन को अच्छा रखेगा, आपके इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, इन शॉर्ट आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा करेगा, आपके पित्त को कम करेगा, आपके ओवरऑल इम्यून सिस्टम को बढ़ा के रखेगा, और उसी के साथ साथ आपके डाइजेशन को इंप्रूव करेगा, आपको गैसेस के प्रॉब्लम है वो इंप्रूव करेगा, क्रैम्प्स आ रहे हैं आपको, मतलब पेट में एकदम ही जकड़ फील हो रहा है, तो वो ठीक हो सकता है. तो ऐसे कई सारे
बेनिफिट्स इसमें हैं, और ये कैसे मार्केट के प्रोडक्ट से अलग है, तो ये एक पॉइंटर आप लिख लीजिएगा, ये अलग है क्योंकि ये एक पर्गेटिव नहीं है। नॉर्मली मार्केट में जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं ना डिटॉक्स के नाम से, वो ये होते हैं कि वो सिर्फ पेट साफ करने का काम करते हैं, बट ये जो प्रोडक्ट है ये कैसे डिफरेंट है, ये मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, मतलब डाइजेशन भी करता है और नेचुरली आपका मोशन जो है वो सही हो इसमें काम करता है। तो ये हुआ ना अलग प्रोडक्ट। तो यस, ये आप अपने क्लाइंट को, आपके कस्टमर को इसको इस प्रकार से पिच कर सकते हो। नेक्स्ट, कि इसके बेनिफिट्स क्या है, क्या मिलेगा आपको अच्छे से डिटॉक्स करने से। आपको वेट लॉस मैनेजमेंट में आपको जो है बहुत अच्छा इसमें इफेक्ट मिलता है, और उसी के साथ साथ आपको जो है डिटॉक्सिफिकेशन से एक लेवल ऑफ एनर्जी आपकी बढ़ती है, मतलब आप जो है बहुत ज्यादा एक्टिव फील करोगे, आपके इंटरनल ऑर्गेन्स के लिए आप बहुत ही नेक काम कर रहे हो अगर आप डिटॉक्सिफाई कर रहे हो तो। उसी के साथ साथ बेटर इम्यून सिस्टम होता है, इम्यूनिटी आपकी बढ़ जाती है, आपकी सांसों की दुर्गंध चली जाती है, आपके स्किन जो है वो और ज्यादा क्लियर लिखने लगती है, आपके बाल जो है वो और अच्छे होने लगते हैं, और आपका कंसंट्रेशन, आपका थिंकिंग, ये सब जो है कंफ्यूजन दूर हो जाता है, और अच्छे से आप सोच विचार करने में अच्छे हो जाते हैं। इन शॉर्ट आप ओवरऑल एक रिजुविनेटेड जो बोलते हैं ना वो फील करने लगोगे। तो यस, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ऑफ डिटॉक्स विल हेल्प यू इन रिन्यूइंग, रिचार्जिंग एंड रिजुविनेशन, मतलब आप एकदम से जो कहते हैं ना फ्रेश फील करने लगोगे अगर आप ये प्रोडक्ट लेते हो तो। तो इसको लेने का तरीका बहुत ही आसान है, आपको एक कैप्सूल लेना है आफ्टर द मील्स, मतलब आप खाने के बाद भी ले सकते हो, इसको पहले भी ले सकते हो, सिर्फ डिफरेंस ये है कि अगर आप खाने के पहले ले रहे हो तो ये जो है आपको एसिडिटी कम करने में मदद करेगा, और अगर आप खाने के बाद ले रहे हो तो आपका सिस्टम डिटॉक्सिफिकेशन में ये हेल्प करेगा। तो जैसी आपकी जरूरत उस हिसाब से आप इसको ले सकते हो। इसका कोर्स होता है जनरली 7 डेज का, 15 डेज का, तो आप इसको ऐसे रिकमेंड कर सकते हो। एंड इवन दो आप अगर इसको आगे भी कंटिन्यू करते हो, ये हैबिट फॉर्मिंग नहीं है, ये भी दिक्कत नहीं होगी कि आपने बंद कर दिया तो कुछ अलग सा रिएक्शन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जो है नॉन हैबिट फॉर्मिंग है, 100% नेचुरल है, तो ये 18 ईयर्स एंड अबव आप किसी को भी रिकमेंड कर सकते हो। ओके, तो ये था हमारा डाइटरी सप्लीमेंट का फर्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट है रिगार्डिंग लीवर। जैसे हमने देखा लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, आपके डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत काम करता है, तो यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 500 से भी ज्यादा, 500 से भी ज्यादा फंक्शन हमारे बॉडी का ये करता है, जैसे कि हमारे इम्यूनिटी में ये बड़ा रोल प्ले करता है, और उसी के साथ साथ हमारे मेटाबॉलिज्म में, स्टोरेज में, फैट स्टोरेज में, इन सब चीजों में जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसको स्वस्थ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके ब्लड प्यूरिफिकेशन में भी ये काम करता है, इम्यूनिटी में जो है आपके इम्यून सिस्टम को एकदम स्ट्रांग और रॉबस्ट रखने के लिए भी ये काम करता है। तो अगर हम लोग देखते हैं ना कि लीवर प्रॉब्लम्स जो है जनरली, क्योंकि हम लोग लीवर को एज सच कुछ खास ध्यान नहीं देते हैं, तो लीवर प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा देखी गए हैं आज के डेट पे, और मेजर अगर हम लोग देखते हैं कि टॉप 10 लिस्ट ऑफ डेथ जिसके किस प्रॉब्लम की वजह से होती है, तो वो है आउट ऑफ बिकॉज ऑफ लीवर प्रॉब्लम्स, और वो WHO ने ही कहा है, और लीवर डिसीज के वजह से ये होता है, और ऑलमोस्ट 10 लाख से भी ज्यादा पेशेंट्स जो है वो लीवर सिरहोसिस से जो है उनको प्रॉब्लम होती है, दैट इज लीवर में खराबी होना। और लीवर सिरोसिस एक ऐसा प्रॉब्लम है कि बहुत इनिशियल स्टेजेस में ये समझ में नहीं आती है, इसको समझने में टाइम लगता है, बाय द टाइम इसके सिम्टम्स आते हैं ना तब तक बहुत ज्यादा आगे ये प्रॉब्लम पहुंच चुका होता है। तो लीवर को अगर हम लोग ऑन ए डेली बेसिस, आपका डेली अगर डाइट या डेली आपका जो अगर हम लोग देखते हैं ना रूटीन में लीवर पे कितना लोड आता है, तो ये देख सकते हैं आप लोग कि अगर आप बहुत ज्यादा कॉफी एनर्जी ड्रिंक्स यूज करते हैं तो लीवर पे लोड आएगा, अल्कोहल लेते हैं तो लोड आएगा, एक्सेसिव वर्क लोड है मतलब स्ट्रेस तनाव है तो ये हो सकता है, स्मोकिंग अगर आप करते हो तो लीवर पे लोड आएगा, अगर आप और कोई भी मेडिकेशंस ले रहे हो तो भी उस पे लीवर पे प्रॉब्लम आ सकती है, इन्फेक्शन या इलनेस है तो भी लीवर पे लोड आता है, स्ट्रेस है, प्रोसेस्ड फूड अगर आप बहुत ज्यादा खा रहे हो, मतलब यू नो आज के डेट पे पैकेट्स में जो भी खाना आता है ये सब प्रोसेस्ड फूड के नाम पे आता है, सिर्फ मैगी नूडल्स या फिर जो भी यू नो प्रोडक्ट्स नहीं बट हर कोई पैकेट के प्रोडक्ट्स जो हैं ये प्रोसेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, राइट। तो ये सब चीजों से भी जो है टॉक्सिन्स आपके शरीर में आने लगती हैं, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स मतलब आप जो बाहर जाते हैं पोल्यूशन से होता है, या फिर आज के डेट में इवन जो वेजिटेबल्स आप लेके आते हो उसमें भी ट्रेसेस ऑफ पेस्टिसाइड्स होते हैं, राइट। पेस्टिसाइड जो है जो जो
कीड़ों को मारने की जो दवाई होती है वो भी आपके खाने में आ सकती हैं, क्योंकि वो एकदम खाने के अंदर ही चली जाती है, जिसको वॉश करने से वो नहीं निकलते हैं। और इसी के प्रकार से अगर आपको फूड एलर्जीज है, पुअर न्यूट्रिशन है, तो ये सब जाके आपके लिवर पे लोड आता है। तो आप समझ सकते हो कि हर कोई इंसान जो है इस लिवर प्रॉब्लम से पीड़ित हो सकता है। लिवर प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स क्या हैं? लिवर प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स ये हैं कि आपकी आंखों में आपको या फिर स्किन पे पीलापन आता है, जिसको हम लोग जॉन्डिस कहते हैं। एब्डोमिनल पेन आ सकता है, स्वेलिंग आ सकती है, या फिर आपके पैरों में सूजन आ रही है तो वो एक लिवर का इशू हो सकता है। आपके स्किन में प्रॉब्लम्स आ रही है, आपका यूरिन का कलर जो है वो डार्क है, आपके स्टूल का कलर जो है वो पेल है, और उसी के साथ साथ बहुत ज्यादा आपको अगर थकान महसूस हो रही है तो वो लिवर का प्रॉब्लम हो सकता है। नौसिया, वॉमिटिंग, मतलब उल्टी होने का सेंसेशन, या फिर कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, खाना खाने के पहले भी सही नहीं लग रहा है, बाद में भी सही नहीं लग रहा, दैट मीन्स आपके लिवर को अटेंशन की जरूरत है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा उपाय है फ्रॉम नाचरामोर, न्यूट्री लिवर। ये एक न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट है, एक वेजिटेरियन सप्लीमेंट है एज यूजुअल, और ये जो है आपके ओवरऑल मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, मतलब आपके सिस्टम को ना स्पीड अप करने में मदद करेगा, मेटाबॉलिज्म का सिस्टम स्पीड अप हो जाएगा, आपको लिवर रिलेटेड इश्यूज हैं उसको कम कर देगा। लिवर डिटॉक्सिफिकेशन पे ये काम करता है, जैसे मैंने कहा कि डिटॉक्सिफाई लिवर को करने के लिए हम लोग कुछ नहीं करते हैं स्पेशली, राइट? तो ये लिवर को डिटॉक्सिफाई करेगा और उसके बाद लिवर को प्रोटेक्ट करेगा, और उसी के साथ साथ लिवर सेल्स को रीजनरेट करने में भी ये मदद करता है। अगर हम लोग इसके की इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, इसमें डला क्या क्या है ये न्यूट्री लिवर में, तो मिल्क थिसल है, कुटकी, कालमेघ, भुयामला, कसनी, पुनर्वा, चिरायता, काकमाची और लेसिथिन। ये सब क्या इंग्रेडिएंट्स है? ये सब जो है ना आपके लिवर के अंदर जो अनवांटेड टॉक्सिन्स जो फंसे पड़े ना उसको निकालने में मदद करता है, पोल्यूशन जो भी टॉक्सिन्स से जो करने में मदद करता है, आपके लीवर एंजाइम्स को और ज्यादा अच्छे से काम करने में मदद करता है, आपके लीवर को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, और उसी प्रकार से कई सारे जो लीवर के फंक्शंस हैं इसको थोड़ा स्मूदन अप करने के लिए या इसको थोड़ा और अच्छे से एफिशिएंटली वर्क करने में आपको मदद करता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मशीन अच्छे से काम करनी हो तो हम लोग क्या डालते हैं, उसमें ऑयल डालते हैं, राइट? उसको मेंटेन करने के लिए। तो उसी प्रकार से आपके लीवर एक मशीन की तरह है जो 500 से भी ज्यादा फंक्शन करता है, तो उसको मेंटेन करके रखने के लिए एक न्यूट्री लीवर दीजिए, तो वो बाकी सब कुछ उसका काम कर देगा, क्लीनिंग कर देगा, और आपका जो लीवर है वो अच्छे से फंक्शन करने लगेगा। इसको कौन कौन ले सकता है? इसको हर कोई ले सकता है। एक कैप्सूल आपको लेना है मॉर्निंग में और एक कैप्सूल इन द इवनिंग, एक घंटे खाने के एक घंटे पहले आपको ये लेना है। दूध या पानी के साथ आप इसको ले सकते हो, राइट? तो ये जो है नॉर्मली स्किन रिलेटेड इश्यूज है किसी को, तो भी आप इसको एज अ कॉम्बिनेशन रिकमेंड कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर, दैट इज हार्ट हेल्थ। हार्ट के लिए आज के डेट पे आप जानते हो कि हार्ट हमारे लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आजकल लोगों में बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर के लेवल्स बढ़े हुए हैं, ओवर 1 करोड़ से भी जो एनुअल डेथ अगर इंडिया में अगर हम लोग देखते हैं ना, तो वो कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस की वजह से होते हैं। ऑलमोस्ट 20.3% जो है पुरुष में और 16.9% महिलाएं जो है आज के डेट में कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस से जो है उनकी डेथ हो रही है। तो हार्ट हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है हमने न्यूट्री हार्ट ये कॉम्बिनेशन लेके आए हैं जो आपके हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को अच्छा रखेगा, मतलब बुरा कोलेस्ट्रॉल जो है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल उसको हटाने में और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, और आपके ब्लड वेसल्स को स्ट्रांग करने में मदद करता है। तो लाइफस्टाइल प्लस में क्या क्या डाला गया है? इसमें फ्लैक्सीड है, ग्रेप सीड है, अर्जुना है, कोएंजाइम क्यूटन, ये एक नया कॉम्बिनेशन है, गार्लिक है, गुगलू है, और उसी के साथ साथ सिलेनियम है। ये जो है आपके कंप्लीट हार्ट हेल्थ को अच्छा करता है। तो अगर आपको हाइपरटेंशन है या फिर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो फिर उस केसेस में आप इनको रिकमेंड कर सकते हो, बिकॉज ये हार्ट मसल्स को स्ट्रांग भी बनाता है और आपके हार्ट के फंक्शनिंग में बहुत अच्छा काम करता है। तो ये आप रिकमेंड कर सकते हो जिनको, अगर किसी को प्रीडिस्पोज्ड कंडीशन है, मतलब बहुत ज्यादा तनाव है, तो वो भी इस प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने में यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज लाइफस्टाइल प्लस। लाइफस्टाइल प्लस जो है ये है एक, जैसे कि लाइफस्टाइल डिसीजेस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, आज के डेट में लाइफस्टाइल डिसीजेस हर किसी को हो रहे हैं। लाइफस्टाइल डिसीजेस में मेजर जो है वो डिसीज है डायबिटीज। डायबिटीज अगर देखा जाता है तो मोर देन 10, मतलब महिलाओं में 10 से भी ज्यादा महिलाएं जो है 35 to 49 ईयर्स में जो है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से पीड़ित है। तो
इस लाइफस्टाइल प्लस को लेना बहुत ज्यादा जरूरी है. क्यों? क्योंकि ये डायबिटीज को कंट्रोल करने में और उसी के साथ साथ डायबिटीज नहीं आने में प्रिवेंशन का भी काम करता है. डायबिटीज आप जानते हो कि जहां पे शुगर जो है वो बॉडी जो है उसको यूज नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो आपके रक्त में रह जाता है और आपको जो है तकलीफ देने लगता है. तो कई सारे उसके इंडिकेशंस होते हैं, जैसे कि आपको जो है घाव जल्दी सूखता नहीं अगर कहीं लगा हो, कटा हो, और उसी के साथ साथ जो है बहुत ज्यादा डिजीनेस लगा रहता है, मतलब सर चकराने लगता है, और बहुत सारे अलग अलग इंडिकेशंस आपको मिल सकते हैं अगर आपको डायबिटीज है. डायबिटीज अगर है तो हार्ट प्रॉब्लम्स भी आने के चांसेस होते हैं, तो ये सब इंटरलिंक्ड होते हैं. तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, या मैं कहूंगी मैनेज करने के लिए, जो है आप लाइफस्टाइल प्लस रिकमेंड कर सकते हो. तो इसमें जो है ये एक अच्छा ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है, मतलब आपकी शुगर लेवल को मेंटेन करने में ये मदद करेगा. उसी के साथ साथ आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इम्प्रूव करने में मदद करेगा, आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को, मतलब आपके शुगर को अच्छे से ब्रेक डाउन करने में भी ये मदद कर सकता है, और उसी के साथ साथ आपके नर्वस सिस्टम में भी ये हेल्प करता है. नॉर्मली देखा गया है कि जिनमें डायबिटीज होता है ना, जिनमें शुगर का प्रमाण ज्यादा होता है, तो उनके नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होने लगती है, जिसकी वजह से आंखें कमजोर होने लगती हैं और फिर बहुत सारे अलग प्रॉब्लम्स होने लगते हैं. तो ये सबको भी प्रिवेंट करने में ये हेल्प करता है. अब इसके बेनिफिट्स क्या है? इसमें अलग अलग जो कंटेंट्स हमने डाले हैं, जैसे क्रोमियम पिकोलिनेट है, गुडमर है, विजय सार है, जामुन है, नीम है, कोकम है, कुटकी जिंजर है, ये सब क्या करते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, मतलब ग्लूकोज जो है आपके शरीर में जो शुगर है उसको ब्रेक डाउन करने में मदद करता है, और उसी के साथ साथ नॉर्मल एक शुगर लेवल मेंटेन करके रखेगा. लिवर एंजाइम्स को भी नॉर्मल करने में, लिपिड को भी, मेटाबॉलिज्म को अच्छा करने में ये मदद करता है, और उसी के साथ साथ आपके डाइजेस्टिव सेक्रीशन को भी अच्छा करता है. तो इन शॉर्ट ये डाइजेशन से लेके, नर्वस सिस्टम से लेके आपके शुगर को मैनेज करने में पूरा पूरा हेल्प करता है. तो ये आप रिकमेंड कर सकते हो. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है फॉर बोन हेल्थ. बोन हेल्थ हड्डियां हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. जैसे कि आप जानते हो कि हड्डी के वजह से ही, एक प्रॉपर बोन स्ट्रक्चर की वजह से ही हमारा शरीर जो है वो अपराइट रहता है. हड्डियां जो है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी जो है प्रोटेक्ट करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, प्रोटेक्शन का भी काम करता है. तो देखा गया है 1 in every 4 वेमेन जो 50 साल से ऊपर है ना, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस देखा गया, जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा. ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों का खोखलापन. जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है ना, 30 अगर आपने क्रॉस कर लिया है, तो आपका बोन का हेल्थ जो है ना वो कम होने लगता है. अब इसका श्रेय जो है हम लोग दे सकते हैं कि जैसे फीमेल्स में नॉर्मली मेंस्ट्रुएशन होता है, ब्लड लॉस होता है, फिर चाइल्ड बेयरिंग होता है, मतलब बच्चा होता है, तो इस दौरान क्या होता है, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से कैल्शियम डिप्लीशन होता है, मतलब कैल्शियम का प्रमाण जो है वो शरीर में कम होते जाता है, जिसकी वजह से हड्डियों में खोखलापन आने लगता है. तो इस इसी के साथ साथ ये हुई फीमेल्स की बात, बट मेंस में भी ये देखा गया है. बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर डाइट, अगर आप बहुत ज्यादा हैवी बाइक्स चलाते हो और उसी के साथ साथ अगर अल्कोहल स्मोकिंग करते हो, डाइट सही नहीं है, जंक फूड लेते हो, तो भी हड्डियों का प्रॉब्लम आता है. और वो आपको कैसे इंडिकेशन देता है आपका शरीर, कि इंडिकेशन ऐसे देता है कि जॉइंट पेन शुरू होने लगते हैं. पहले स्वेलिंग होने लगती है, फिर धीरे धीरे जॉइंट पेन शुरू होने लगता है. वो कहते हैं ना कि पीठ में दर्द हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको दिखने लगते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास ये एक फॉर्मुलेशन तैयार है जिसका नाम है जॉइंट केयर, जो आपके जॉइंट पेन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है और जॉइंट डिसऑर्डर्स को भी रिवर्स करने में ये मदद करता है. इसके अगर की इंग्रेडिएंट्स अगर हम लोग देखते हैं, तो इसमें है गूगल शल्लाकी. ये जो है एंटी अर्थराइटिक का भी काम करता है, मतलब वाद वाद का जो प्रॉब्लम होता है ना, जो लोगों में दिखा गया कि हड्डियों में जो प्रॉब्लम होती है, जिसके लिए आप शायद रियोमेटोलॉजिस्ट के पास भी जाते हो, तो इस केसेस में भी हमको इस प्रोडक्ट में रिजल्ट्स मिले हैं. तो ये है. उसी के साथ साथ इसमें रसना है जो एंटी इंफ्लेमेटरी काम करता है, मतलब सूजन है तो वो निकल जाएगा. इसमें पिपरिन है जो आपके सिस्टम में जो है एक अच्छा सा, जो कहते हैं इसके बायो अवेलेबिलिटी अच्छी होने की वजह से ये एक बहुत अच्छा पेन किलर का काम करता है. नॉर्मली अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन लेते हो, आपको पता है आपको पैरासिटामोल दिया जाएगा, या उससे भी ज्यादा है तो स्टेरॉइड्स दिया जाएगा, जो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है. तो इसमें जो है ना एक नेचुरल पेन किलर होता है, जिससे दर्द भी आपका कम हो जाएगा हड्डियों का. और उसके साथ साथ इसमें हडजोड़ है जो बोन हीलिंग का काम करता है. और इसको अगर कंज्यूम करना है, एक कैप्सूल आपको लेना है सुबह और एक कैप्सूल आप शाम को ले सकते हो खाने से पहले. तो इस प्रकार से ये जो बोन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, और जो कहते हैं कि अगर आपको बोन का प्रॉब्लम है, तो उस केसेस में भी आप इसको यूज कर सकते हो. ओके, तो ये था हमारा बोन हेल्थ. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट की ओर, वो है स्ट्रेस रिलेटेड.
स्ट्रेस आज के डेट में हर किसी को है, राइट? तो ये स्ट्रेस की वजह से क्या होता है ना कि नींद भी सही नहीं होती है. नींद सही नहीं होती है तो वापस स्ट्रेस बढ़ने लगता है. तो ये जो है एक इंटरलिंक्ड चीजें होती हैं, और कहीं ना कहीं जो है ये आपके ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में बहुत काम आती है, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है. तनाव की अगर हम लोग बात करते हैं, सर्वे किया गया था तब ये देखा गया है कि इंडिया में सबसे ज्यादा लोग जो हैं तनावपूर्ण है कंपेयर टू हमारे जो अदर ग्लोबली लोग हैं, यूएस यूके जो भी लीजिए, तो उसमें से इंडियन लोग जो हैं बहुत ज्यादा तनाव में हैं. और उसमें से भी 82% जो हैं वो इंडियंस को वो ये प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ काम के रिलेटेड है, या फिर फाइनेंस ठीक नहीं है, पैसों की दिक्कत की वजह से कहिए, फाइनेंस रिलेटेड कहिए, या ओवरऑल वेलबींग के वजह से भी ये हो सकता है. आगे अगर हम लोग देखते हैं कि इंडियन मेन में जो है ये 85% जो पुरुषों में देखा गया है कि स्ट्रेस का लेवल बढ़ा हुआ है, और उसी प्रकार से महिलाओं में ज्यादा है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, पर्सनल हेल्थ सही नहीं है, तो इस वजह से ये हो रहा है. ये टॉप रीजंस क्या है लाइफ में चेंज होना, जैसे कि आज के डेट में भी अगर हम लोग देखते हैं ना कि पैंडेमिक की वजह से जो है ये लाइफ चेंजेस हो रही है, तो एकदम से एडजस्ट करना भी मुश्किल हो रहा है. इवन दो 7-8 महीने हो गए हैं अभी पैंडेमिक को, बट देन तो भी लोग जो हैं अभी भी इस सिस्टम को अडेप्ट कर रहे हैं, द न्यू नॉर्मल को अडेप्ट कर रहे हैं, जैसे कि मास्क लगा के बाहर जाना, सैनिटाइज करते रहना. तो ये सब जो है ना तनाव ऐड करता है, और जैसे कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होना, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी सही नहीं होना, ऑक्यूपेशनल बर्नआउट, मतलब अगर आपका आप जहाँ पे ऑफिस पे काम कर रहे हो वहां पे आपकी किसी से बन नहीं रही है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होना, कॉन्फ्लिक्ट्स होना, या फिर बीमार क्या इस मतलब एक फियर ऑफ अनसर्टेनिटी कहते हैं ना, कि आज के डेट में हमको ही नहीं पता कि फ्यूचर क्या दिख रहा है, क्या होने वाला है. तो इस सब प्रॉब्लम्स की वजह से फ्रस्ट्रेशंस बिल्डअप होते हैं, और कहीं ना कहीं ये तनाव को बहुत ज्यादा बढ़ाती है. और तनाव अगर बढ़ेगा ना तो आपके सारे सिस्टम को ये धीरे धीरे जो है गड़बड़ कर देता है. तो भले ही आप कम देर सो हो, लेकिन एक क्वालिटी स्लीप मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है. स्ट्रेस की वजह से क्या है कि आपकी स्लीप की क्वालिटी 100% डिस्ट्रप्टेड है. जैसे कि हम लोग कहते हैं कि ना मोबाइल फोन्स में आज के डेट में सब लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, आपके कितने सारे एप्लीकेशंस ऑन रहते हैं, राइट? व्हाट्सएप चल रहा है, बैकग्राउंड में बहुत सारे दूसरे दूसरे एप्स शुरू रहते हैं, हम किसी को बंद नहीं करके रखते. तो उसकी वजह से क्या होता है, बैटरी डाउन हो जाती है मोबाइल फोन से की. तो उसी प्रकार से हमारी भी बैटरी जो है, बहुत सारी चीजें हमारे बैक ऑफ द माइंड चलती रहती है जिसकी वजह से वो बैटरी डाउन हो जाती है. तो इसको ही हम लोग तनाव कहते हैं, जिसकी वजह से नींद नहीं आती है और ये डिस्टर्ब्ड हो जाता है ये पैटर्न. तो अगर हम लोग सिम्टम्स देखते हैं कि तनाव कैसे आता है, तो आपकी एनर्जी लेवल लो है, आपको सर दर्द लगा है, आपको पेट अपसेट है, आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है मसल्स में, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है. चेस्ट पेन हो रहा है, इंसोमनिया हो रहा है, कोल्ड एंड इन्फेक्शन बने हुए हैं, आपको बहुत ज्यादा जो कहते हैं ना कि डिप्रेशन हो रहा है, तो दैट मीन्स आपको तनाव का प्रॉब्लम हो रहा है. तो यहाँ पे हमारे पास है डिस्ट्रेस. डिस्ट्रेस एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, ये बिल्कुल भी आदत लगाने वाली ये नहीं कहूंगी कि ये नींद की गोलियां हैं. नॉर्मली मार्केट में बहुत सारी नींद की गोलियां भी अवेलेबल होती है जो बिल्कुल भी सही नहीं होती है, बिकॉज ये अलग अलग साइड इफेक्ट्स देते हैं. बट ये जो है एक बहुत ही जेंटल सा मेलेटोनिन एंड जिटामांसीज का एक कॉम्बिनेशन है, न्यूट्रास्यूटिकल है, जो नॉन हैबिट फॉर्मिंग है, जो आपकी स्लीप की क्वालिटी को अच्छा करेगा, आपको एक अच्छी स्लीप देगा. मतलब वो कहते हैं ना एक साउंड स्लीप जो कहते हैं ना, वो देगा, एक रिलैक्सेशन देगा, और उसके वजह से जो है आपको एक अच्छा आउटपुट देगा, क्योंकि इसमें अश्वगंधा है, शंख पुष्पी है, ब्रह्मी है, जिनसेग है, जटामांसी है, मेलाटोनिन है. ये आपके ब्रेन को इम्प्रूव करता है, आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है, आपके कॉग्निटिव स्किल्स को अच्छा रखता है, आपके न्यूरो प्रोटेक्टिव एक्शन है, मतलब आपके न्यूरॉन्स को, आपके ब्रेन को, आपके नर्वस सिस्टम को जो है वो अच्छा करके रखता है, आपके मूड को इम्प्रूव करेगा. मतलब अगर आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन कर रहे हैं तो डिस्ट्रेस लीजिए, तो भी आपका मूड जो है वो मच बेटर रहेगा. इम्यूनिटी बढ़ाता है, उसी के साथ साथ जो है आपको एक बहुत अच्छी नींद ये देगा, राइट? इसको कौन कौन ले सकता है? हर कोई जो 18 साल के ऊपर है वो ले सकते हैं. जिसका भी काम बहुत ज्यादा यू नो इंटेलेक्चुअल वर्क है, मतलब बहुत ज्यादा लिखाई पढ़ाई वाला काम है, बहुत ज्यादा तनाव वाला काम है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं. महिलाओं में स्पेसिफिकली मैं कहूंगी जिनको मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आपको पीरियड्स के पहले बहुत ज्यादा जो कहते हैं ना चिड़चिड़ापन हो रहा है, मूड स्विंग्स ज्यादा हो रहे हैं, तो उस केसेस में भी आप ये रेकमेंड कर सकते हो. पेरीमेनोपॉजल में भी रेकमेंड कर सकते हो, मतलब महिलाओं में अगर हम लोग देखते हैं कि
जिनको मेनोपॉज इन एजिंग आ रहा है, मतलब आपका पीरियड्स बंद हो रहा है, तो उस केसेस में भी आप ये रिकमेंड कर सकते हो. और अगर आपको आप टाइम ट्रैवल कर एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवल कर रहे हो तो जेट लैग के जो इश्यूज होते हैं ना उसको भी ये कम करने में मदद करता है. इसका डोसेज बहुत ही आसान है, एक टैबलेट लेना है आपको सोने से पहले पानी या दूध के साथ. नेक्स्ट है आई केयर, आंखों का प्रॉब्लम के लिए एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल जो कंबाइन है विद ल्यूटीन एंड जियाजेंथिन. आई हेल्थ, अगर आज के डेट में हम लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा अगर हमारा जो कहते हैं ना यूज होने वाला जो ऑर्गन है वो है आंखें. आप में आज के डेट में भी जो इस सेमिनार के वेबिनार के माध्यम से कनेक्टेड हैं, हम लोग स्क्रीन पे ही देख रहे हैं, राइट? ऑल दी टाइम हम लोग स्मार्टफोन्स कंप्यूटर्स इसका बहुत ज्यादा यूज करें, जिसकी वजह से डिजिटल आई स्ट्रेन नाम का एक नया प्रॉब्लम दिखाई पड़ रहा है, जो ऑलमोस्ट 80% लोग जो है आज के डेट में भारत में इससे पीड़ित है, मतलब आंखों की थकान. और ये जो है ऑलमोस्ट स्मार्टफोन यूजर्स का भी अगर हम लोग देखते हैं तो 500 मिलियन से भी ज्यादा, दैट इज 50 करोड़ से भी ज्यादा जो है लोग आज के डेट में आई हेल्थ से पीड़ित हैं. आई स्ट्रेन के रीजंस क्या होते हैं? जैसे कि अगर आप कॉन्स्टेंटली बहुत ज्यादा फोन्स देख रहे हो, या फिर आप बहुत ज्यादा रीडिंग कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा वो बोलते हैं ना कि लाइट का वेरिएशन है वहां पे बैठ के पढ़ रहे हो लिख रहे हो, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है. आंखें आपकी ड्राई हो रही है, आपको बहुत ज्यादा थकान हो रही है, तो उस केसेस में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है. ओके, या फिर आप फैन या एयर कंडीशन के नीचे बैठे हो तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है. तो आई स्ट्रेन के जो अलग अलग इश्यूज है तो ये है कि आंखों में आपको बहुत ज्यादा पानी आने लगेगा, दैट मीन्स आपको आई स्ट्रेन का प्रॉब्लम है. आपको जो है बहुत ज्यादा इचीनेस, मतलब खुजली हो रही है आंखों में, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है. आपको विजन सही नहीं हो रहा है, आपको सरदर्द लगा है, आपको कॉन्स्टेंटली यू नो नेक पेन हो रहा है, शोल्डर पेन हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम है, दैट मीन्स आपकी आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है. आपको लाइट के तरफ बहुत सेंसिटिव हो रही है आपकी आंखें, आपको कॉन्सेंट्रेशन सही नहीं हो रहा है, और इसी के साथ साथ आप आंखें बहुत ज्यादा देर तक नहीं खोल पा रहे हो, दैट मीन्स आपको आई स्ट्रेन की प्रॉब्लम है. तो यहाँ पे जो है हमारे पास है आई केयर, ये एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल है जिसमें ल्यूटीन एंड जियाजेंथिन है. ये एक हेल्दी विजन को मेंटेन करने में मदद करता है. जो ब्लू रेडिएशंस होते हैं, नॉर्मली हम लोग जो मोबाइल फोन्स यूज करते हैं, टीवी स्क्रीन्स जो यूज करते हैं, या फिर लैपटॉप्स यूज करते हैं, इसमें सब है ना ब्लू रेडिएशंस होते हैं, इवन आपके फोन्स में ब्लू रेडिएशंस होते हैं, जिसको अगर आप देखते रहते हो ना तो फिर ये बहुत ही हानिकारक होता है आपके आंखों के लिए. तो ये आई केयर जो है ये आपको हेल्प करेगा, एक कह सकते हैं कि ये कंडीशनर है आपकी आंखों के लिए. पुअर न्यूट्रिशन है तो भी आप इसको ले सकते हो. इसकी जो की इंग्रेडिएंट्स है वो है अमला की, बिबिता की, हरिता की, भृंगराज, मोरिंगा, बिलबेरी, ल्यूटीन, जियाजेंथिन एंड कर्क्यूमिन. ये सारा जो कॉम्बिनेशन है ना ये आपके आंखों को जो तनाव है इसको रिड्यूस करेगा. आपके आंखों में अगर कैटरैक्ट के इश्यूज हैं, किसी को अगर इनिशियल स्टेजेस में कैटरैक्ट है तो भी आप रिकमेंड कर सकते हो. जो वयस्क लोग हैं उनमें जो मैक्युलर डिजनरेशन दिखा गया, मतलब आंखों में जो है धीरे धीरे आपका विजन जो है वो कम होते जा रहा है, तो उस केसेस में आप रेकमेंड कर सकते हो. ये एक परफेक्ट आई टॉनिक है मैं कहूंगी. ये इसको आप यूज करने से ना आपकी आई साइट इंप्रूव होगी. इवन चश्मा जो है, आपको अगर प्रोग्रेसिव विजन का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप चश्मा लगा रहे हो, तो उस केसेस में भी आप रेकमेंड कर सकते हो. आपको जो है इवन आंखों में थकान बहुत ज्यादा है, या फिर जैसे मैंने पहले जो भी इंडिकेशंस बताए इन सब को कंट्रोल करने में ये मदद करता है. और इसी के साथ साथ ग्लॉकोमा, जैसे कि डायबिटीज के रिलेटेड जो आंखों में प्रॉब्लम आती है ना, तो उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो. इसको हर कोई यूज कर सकता है जो आज के डेट में स्क्रीन देखता है, दैट मीन्स हर कोई हो गया इसमें. एंड ये बच्चे भी यूज कर सकते हैं, जो बहुत ज्यादा ड्राइविंग करते हैं वो यूज कर सकते हैं. जिनको आंखों को स्वस्थ रखना है तो आप ये रिकमेंड कर सकते हो. इसका डोसेज बहुत ही आसान है, आपको दिन में 2 बार इसको लेना है 18 साल के ऊपर हो तो. और अगर आप बच्चे को रिकमेंड कर रहे हो 8 साल के ऊपर जो ही रिकमेंड करना है, तो सिर्फ एक टैबलेट आपको ये रिकमेंड करना है. ओके, सो दिस वॉज आई केयर. तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर, दैट इज मेंस वेलनेस. अब ये जो है एक ऐसा फॉर्मुलेशन है फॉर मेंस जो आपके जो पुरुषों में जो है एक एनहांस एक्टिवनेस देता है 24/7. नॉर्मली पुरुषों में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज देखे गए हैं, बट क्या होता है ना नॉर्मली मेंस जो है वो बहुत ज्यादा स्केप्टिकल होते हैं, मतलब जल्दी से डॉक्टर को नहीं दिखाते. कोई भी हेल्थ कंसर्न हो ना बहुत ज्यादा थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा इशू आ जाता है उनको कि नहीं सामने से जाके डॉक्टर को नहीं मिलना है.
तो इस वजह से क्या है कि बहुत बार उनके हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो इग्नोर हो जाते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, या फिर हार्ट के इश्यूज है, या फिर बाकी सेक्सुअल इश्यूज है। तो ये सब चीजों में क्या है, बहुत ज्यादा देखा गया है कि पुरुष सामने आके बात नहीं करते हैं या फिर डॉक्टर से जाके नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से जो है हेल्थ कंसर्न्स देखी गई हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं, इसका हेल्थ कंसर्न्स देखा गया है। तो यहाँ पे हमारे पास एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है विच इज नोन एज मेन्स वेलनेस। ये एक इफेक्टिव नॉन हैबिट फॉर्मिंग सेफ एंड लॉन्ग टर्म कंजम्पशन के लिए अवेलेबल वाला एक फॉर्मुलेशन है। अगर आपको लगता है कि आपकी अलर्टनेस, एक्टिवनेस, मतलब आप बहुत ज्यादा जो कहते हैं ना अलर्ट नहीं हो पा रहे हो, आपकी एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा डल है, बहुत ज्यादा आप अगर फटीग महसूस कर रहे हो, टायर्डनेस महसूस कर रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल रिलेटेड आपको इश्यूज हैं, आपकी एनर्जी लेवल थ्रू आउट द डे बनी नहीं रहती है, मतलब सुबह आप फ्रेश फील कर रहे हो लेकिन शाम होते ही आपकी बैटरी डाउन हो रही है, या फिर आपकी रिप्रोडक्टिव क्वालिटी अच्छी नहीं है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी नहीं है, सेक्सुअल हेल्थ अच्छी नहीं है, स्ट्रेस इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, आपकी मेंटल वेलबींग अगर सही नहीं है, मतलब वो कह सकते हैं कि तनाव के वजह से भी जो है ये इश्यूज हो रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए जो है ये मेंस वेलनेस जो है बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है ना जिसमें सिट्रुलिन है, अश्वगंधा है, जिनसिंग है, जिंकोबा है, अकलकरा है, बोक्शर है, जायफल, फेनुग्रीक है और कापिकाचू है। ये सब क्या करती है, ये आपके फटीग को या फिर टायर्डनेस जो है इसको रिड्यूस करेगा, आपके एंड्योरेंस को बढ़ाएगा, मतलब अगर आप एरोबिक एक्टिविटी कर रहे हो, एनरोबिक एक्टिविटी कर रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो तो भी आपको थकान हो रही है ना, तो उस केसेस में ये एक आपको अच्छा परफॉर्मेंस बूस्टर के नाम पे ये काम करेगा। उसी के साथ साथ आपके तनाव को, एंजाइटी लेवल्स को कंट्रोल में रखेगा, आपके मूड स्विंग्स, अगर आपको बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आता है तो आप इसको रिकमेंड कर सकते हो, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, आपकी कॉग्निशन को बढ़ाएगा, एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब एंटीऑक्सीडेंट जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अलग अलग बीमारियां जो है वो आ रही हैं, दैट मीन्स आपको ये रिकमेंडेड है, आप इसको ले सकते हो, जो आपको एक एंटीऑक्सीडेंट का एक बहुत अच्छा सोर्स है। ये आपके सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, आपके एंड्योरेंस को बढ़ाएगा, आपके लिबिडो को हेल्थ अच्छा करेगा, आपके हार्ट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ इसमें काम करेगा, आपके एपेटाइट को बढ़ाएगा, आपके स्लीप पैटर्न्स को इम्प्रूव करेगा, आपके शुगर लेवल्स को मेटाबॉलिज्म में अच्छा करेगा, आपके टेस्टोस्टेरॉन जो मेल्स का सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है उसमें भी इम्प्रूवमेंट लेके आएगा, आपकी मेमोरी को और कॉग्निशन को इम्प्रूव करेगा। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेक्सुअल हेल्थ, ये एक फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। तो ये हर एक मेन को आप रेकमेंड कर सकते हो अलोंग विथ नैचरामोर प्रोटीन पाउडर, दैट इज वैनिला। नेक्स्ट इसका डोसेज की बात करते हैं, तो अगर आपको बहुत ही फास्ट इसके रिजल्ट्स चाहिए ना, एक्टिव आपको इसके रिजल्ट्स चाहिए, तो आपको 2 कैप्सूल लेना है इसके हाफ एन आवर बिफोर द बेड टाइम, मतलब आप सोने से पहले 2 कैप्सूल ये रिकमेंडेड होता है पानी या दूध के साथ। अगर इसको आप ऐसे डाइटरी सप्लीमेंट, मतलब जनरल आपका हेल्थ जो है इसको सिर्फ आपको मेंटेन करके रखना है, आपको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ जो कहते हैं ना कि इश्यूज ना हो, इसके लिए अगर आप एज ए प्रिवेंशन लेना चाहते हो तो आप 1 कैप्सूल ले सकते हो बोथ द टाइम्स, मतलब सुबह और शाम को, मतलब खाने के बाद आप इसको ले सकते हो, सॉरी खाने के बाद इसको बिना मतलब सोने के पहले आप इसको ले सकते हो। और इसको कौन कौन कंज्यूम कर सकता है, हर कोई इंसान वो 18 ईयर्स एंड अबव इसको कंज्यूम कर सकता है। ग्रेट, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। अभी इसी को कॉम्प्लीमेंट करते हुए हमने और एक कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है वुमेन्स वेलनेस। अब ये जो है महिलाओं के हेल्थ इश्यूज को लेके है, तो महिलाओं के जो ओवरऑल हेल्थ इश्यूज हैं इसको, जैसे महिलाओं का जो बॉडी टाइप है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बिकॉज महिलाओं में ऑलमोस्ट 4 स्टेजेस में ग्रोथ होती है, तो ये सब स्टेजेस में केटर करने के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ये वुमेन्स वेलनेस। तो अगर हम लोग हेल्थ स्टेटस के बारे में बात करते हैं ना महिलाओं की, तो हेल्थ स्टेटस महिलाओं में देखा गया है कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है सोसाइटी के ऊपर, क्योंकि जो बैकग्राउंड से महिलाएं आती हैं ना उस बैकग्राउंड पे डिपेंडेंट होता है कि उनको किस टाइप का जो है हेल्थ मिलता है। तो अगर महिलाएं जो है अच्छे हेल्थ को अफोर्ड कर सकती हैं सो उनको जो है अच्छे फैसिलिटीज मिलते हैं, बट अगर उनका जो है फिनांस उतना अलाउ नहीं करता है, मतलब उनके पास उतने पैसे नहीं है कि जाके अच्छे से ट्रीटमेंट लो, तो उसमें दिक्कत आती है। तो यहाँ पे देखा गया है करीबन 1 लाख से भी ज्यादा महिलाएं जो है ना हर साल उनकी डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज।
और इसमें के मेजर जो इश्यूज है वो है एनीमिया, हार्ट डिसीज, ब्रेस्ट कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, डिप्रेशन और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स और डायबिटीज मेलिटस। तो ये सब प्रॉब्लम्स के वजह से महिलाओं में ये प्रॉब्लम्स देखे गए हैं। तो अनीमिया जो है ये महिलाओं में सबसे ज्यादा देखा गया है। तो इसमें जो है अगर बहुत ज्यादा थकान हो रही है, आपकी स्किन अच्छी नहीं लग रही है, आपको जो कहते हैं ना कि आपको सांसों में प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको कॉन्सेंट्रेशन नहीं लग रहा है, सो दैट मीन्स आपको इंसोमनिया अनीमिया है। तो उसके लिए आपके पास है विमेंस वेलनेस। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन न्यूट्रास्यूटिकल है जिसमें अलग अलग चीजें हैं जैसे कि लाइकोपीन, अशोका, शतावरी, चेस्टबरी, पुनर्वा, ब्राह्मी। ये क्या करेगा ना कि ओवरऑल आपकी महिलाओं की जो हेल्थ है उसके इम्प्रूवमेंट में ये मदद करता है। इसमें बहुत सारे की इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि शतावरी एक हेल्थ टॉनिक है जो आपके मेंटल हेल्थ को, आपके इनफर्टिलिटी का इशू है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, पीसीओडी का प्रॉब्लम है, इन सब में आप इसको रेकमेंड कर सकते हो। मेंस्ट्रुएशन इशू है उसमें आप रेकमेंड कर सकते हो। इसमें चेस्टबेरी है जो आपके पीरियड्स के इरेगुलरिटीज के साथ साथ इनफर्टिलिटी, फाइब्रॉइड्स अगर है यूट्रस में तो रेकमेंड करो, और एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम है तो मतलब पीरियड्स के वक्त बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो ये रेकमेंड कर सकते हो। एलोवेरा और घृतकुमारी है जो आपको एक सेंस ऑफ यूथफुलनेस देगा, मतलब एंटी एजिंग इफेक्ट देता है। पुनर्वा है इसमें जो अगेन आपके मेंस्ट्रुएशन में हेल्प करता है। ब्रह्मी है आपके ब्रेन में काम करता है, आपके ब्रेन की एक्टिविटी को एनहांस करने में हेल्प करता है, मेमोरी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। और इसी के साथ साथ लाइकोपीन है, लाइकोपीन आपके स्किन को अच्छा करता है, आपको एक बोलते हैं ना कि आप यूवी प्रोटेक्शन आपको देता है, मतलब एक बहुत अच्छा एक सनस्क्रीन एजेंट आप कह सकते हो इंटरनली, अगर आप इसको लेते हो तो बहुत अच्छा काम ये करेगा। तो इन शॉर्ट ये तो थी थोड़ी सी साइंटिफिक चीज है, बट इन शॉर्ट ये क्या करेगा, आपके स्किन को अच्छा करेगा, आपके नाखूनों को अच्छा करेगा, आपके बालों को अच्छा करेगा, आपके मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स को कम करेगा, इरेगुलरिटीज को रेगुलेट करेगा, डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करेगा, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेगा, रिप्रोडक्शन सिस्टम को इम्प्रूव करेगा, और उसी के साथ साथ आपके ब्रेन हेल्थ को भी अच्छा करेगा। इसको कौन कौन कंज्यूम कर सकता है? हर कोई कंज्यूम कर सकता है जो 12 टू 50 इयर्स के बीच में है। मैंने यहाँ पे 50 इयर्स दिया है, बट देन ये आगे भी मतलब वयस्क लोग तक ये कोई भी फीमेल जो है ये इसको ले सकती है। और इसका डोसेज जो है बहुत ही आसान है, 1 टैबलेट आपको लेना है ट्वाइस ए डे, मतलब दिन में 2 बार आपको 1 टैबलेट लेनी है, राइट? सो ये था हमारा वुमेन वेलनेस। चलिए बढ़ते हैं हमारे फाइनल प्रोडक्ट की ओर जिसका नाम है इम्यून प्लस। आज के डेट में जो है इम्यूनिटी के बारे में हर कोई जानता है, किसी को भी इम्यूनिटी के बारे में बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बिकॉज हम एक ऐसे सिचुएशन में है, इस ऐसे एक कंडीशन में है जहाँ पे इम्यूनिटी हमारी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, और हम चाहते हैं कि हम हमारा परिवार जो है इम्यूनिटी उनकी अच्छी बनी रहे, और एक जो कहते हैं ना एक शील्ड हमको चाहिए जो हमारा इसमें मदद करे, सपोर्ट करे। और इस सिचुएशन में हेल्प करने के लिए है हमारे पास एक नेचुरामोर इम्यूनी प्लस, जो एक शील्ड है, एक कॉम्प्रिहेंसिव नेचुरल सप्लीमेंट जो एक ऑप्टिमम आपको इम्यून रिस्पॉन्स देता है। ये इम्यून प्लस क्या करता है ना, इसमें एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल है जो एक कॉम्बिनेशन है तुलसी और गिलोय का। ये आपको इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करेगा, आपको इन्फेक्शन अगर कोई है तो उसको दूर करने में हेल्प करेगा, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा रखने में हेल्प करेगा, मतलब आपकी लंग्स है, आपकी सांसें लेने के लिए जो जो आपके ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व है इनको अच्छा करने में हेल्प करेगा, आपके लीवर फंक्शन को इम्प्रूव करेगा, आपके ओवरऑल फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल, कॉग्निशन, इन सब चीजों में जो है ना ओवरऑल आप कह सकते हैं एक पैकेज है ये जो आप इसको रिकमेंड कर सकते हो। इसको इसमें की इंग्रेडिएंट्स जो है इसमें गिलोय है, आंवला है, लहसुन है, तुलसी है, कंठकारी है, शुंठी, हरिद्रा, विटामिन सी और जिंक है। ये एक ऐसा चीज है जो इम्यूनिटी बढ़ाएगी, आपको लीवर को अच्छा रखेगा। इसमें विटामिन सी होने के कारण जो है ये इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग बना के रखेगा, और उसी के साथ साथ आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी ये अच्छा है, आपके इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा, मतलब इन्फेक्शन आने के टाइम पे ही अगर आप इसको रेगुलरली ले रहे हो तो प्रिवेंट करेगा बहुत हद तक, और आपको जो है कफर जो मैंने कहा इसको भी बैलेंस आउट करने में हेल्प करता है, और ओवरऑल अगर आप देखते हैं ना तो आपके जो एक एंजाइम सिस्टम्स जो आपके अंदर हैं इसको भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो इसको हर कोई ले सकता है जिनको आपकी इम्यूनिटी बढ़ानी हो उनको,
और मैं जो समझती हूँ आज के डेट में हर किसी को जरूरत है इसकी, तो हर कोई ये ले सकता है। ये एक ऐसे ना एडजुवेंट भी काम करता है, एडजुवेंट इन द सेंस आप ऑलरेडी कोई भी ड्रग अगर ले रहे हो, मे बी इट एलोपैथिक या फिर कोई भी जिसमें आप कुछ इन्फेक्शन के लिए आपने लिया हुआ है, तो इसको ऐसे कॉम्बिनेशन ले सकते हो, एडजुवेंट ले सकते हो, जिसकी वजह से ये आपका रिकवरी फास्ट करेगा और आपको जो है बीमारी से दूर रखेगा। अगर आपको सीजनल फ्लू होता है, मतलब सीजन चेंज होते ही आपको हेल्थ प्रॉब्लम शुरू होने लगती है ना, तो उसके केसेस में भी आप ये ले सकते हो। ये आपको बहुत ही अच्छा जो है प्रिवेंट करने में मदद करता है और उसमें से बाहर निकलने में हेल्प करेगा। इसका डोसेज बहुत ही आसान है, 1 to 2 कैप्सूल्स है इसको, आप खाने के बाद इसको ले सकते हो पानी के साथ। तो ये था हमारा इम्यून प्लस। सो यस, दैट वाज ऑल इट। मतलब हमारा जो सारा का सारा डाइटरी सप्लीमेंट जो है वो यहीं पे खत्म होता है। तो आपने देखा कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट एंड डाइटरी सप्लीमेंट ये एक कॉम्बिनेशन है। अगर आपने इसके हर एक का रोल समझ लिया, अब मैंने आपको हर हर एक का जो है ना फंक्शन प्रॉपर्टीज ये सब कुछ बता दी, तो आप अभी थोड़ा सा आपका लॉजिक यूज करके लोगों को इसको रिकमेंड कर सकते हो, जिसके माध्यम से आप एक प्रॉपर पैकेज भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि हर किसी को आप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट तो दे ही सकते हो, बट जैसे आपने देखा कि आपको लग रहा है कि कोई 30+ है, तो दैट मीन्स आपको जॉइंट केयर आप मैंडेटरी दे सकते हो। कोई भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट स्टार्ट करने से पहले जो है आप उनको डिटॉक्स रेकमेंड कर सकते हो, बिकॉज ये क्या है कि सिस्टम क्लीन करने की चीजें होती है। स्किन के रिलेटेड अगर कोई इश्यू है, सो दैट मीन्स वॉट, आपको न्यूट्री लिवर देना है। उसी के साथ साथ डी स्ट्रेस जो है ये किसको देना है आपको, कि जिसको भी तनाव है, और आज के डेट में हर किसी को तनाव है, तो डी स्ट्रेस जो है ये आप रेकमेंड कर सकते हो। मतलब हर एक प्रोडक्ट जो है इसमें हर एक में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है जो आपको मदद करती है, और आपका जो क्लाइंट है वो सेटिस्फाइड रहेगा। आप जिसको भी रेकमेंड कर रहे हो उनको 100% रिजल्ट जरूर आएंगे। ओके और उसी के साथ साथ मैं ये भी रेकमेंड करूंगी, जो भी आप लोग सुन रहे हो ये आज का जो सेशन, तो आप भी इसको ट्राई आउट जरूर कीजिए जरा, अगर आपने ट्राई नहीं किया है। बिकॉज वो कहते हैं ना, द फर्स्ट इन्फ्लुएंसर इज यू योर सेल्फ। मतलब आप ही अगर आप यूज करते हो प्रोडक्ट, तब जाके आप उनको सामने ठीक से बता पाओगे कि यस ये प्रोडक्ट ऐसे काम करेगा। नहीं तो क्या होता है कि कई बार कस्टमर्स जो है वो बोलेंगे नहीं मतलब प्रोडक्ट से रिजल्ट नहीं आला, नहीं तो फिर ये बोलेंगे कि नहीं मुझे नहीं आया, आपके प्रोडक्ट की वजह से मुझे ऐसे होने लगा वैसे होने लगा। बट अगर आपने ही खुद ले लिया है, आपने ही ट्राई करके देखा है, तो आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट कितना ज्यादा इफेक्टिव है। सो आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस मिलता है, एक सेंस ऑफ जो कहते हैं ना एक प्राइड मिलता है। जैसे मैंने आपको सब कुछ बताया कि ये प्रोडक्ट कैसे बेनिफिशियल है, तो यस वो स्टार्टिंग आप ही से करिएगा, तो जिसकी वजह से आपको टेस्टिमनीज आप ही से मिल जाएंगी और आप इस प्रोडक्ट को बहुत आसानी से आगे प्रमोट कर सकते हो और लोगों को और ज्यादा हेल्दी बनाने में आप बहुत अच्छा आगे बढ़ सकते हो। सो दैट वॉज इट, थैंक यू वेरी मच।